यहां पर मंत्री जी बताए हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो पानी प्योर होता है उसको ना कर दिया, क्योंकि इससे पानी बहुत नष्ट होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस एक है, एक तो मेम्ब्रेन रहता उसका एक बार जाता फिर उल्टा आता है और उससे डिजॉल्व सॉलिड्स निकल जाता है। लेकिन अगर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस सबसे एफिकेशियस है, अगर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं हो तो क्या विकल्प पानी को शुद्ध करने का रास्ता अभी लोग अपनाएंगे? क्या अल्ट्रावायलेट यूज करेंगे, रेडिएशन यूज करेंगे? मिनिस्ट्री से क्या सजेशन है लोगों को कि ये पद्धति अपने इस्तेमाल करें?